सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मास्टर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी जेम 2020 का 1 मार्च का क्वेश्चन है, पार्ट ए का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है। सिंपल से रिलेटेड फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन सा प्रॉब्लम है। लिमिट प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इसमें फॉल्स है ये आपको इसमें बताना है। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है लिमिट ए वाला जो क्वेश्चन है, इज एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स अपॉन ई पावर ऑफ एक्स। तो सिंपल सा हमको इसके फॉर्म को चेक कर लेना है। जो हमारे पास फॉर्म बनता है अभी पुटअप करेंगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बनता है। तो अप्लाई कर देंगे आप एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है उसमें से एक फॉर्म ये है, भी है हमारा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाएंगे तो 1 अपॉन ई पावर ऑफ एक्स। अब अप्लाई लिमिट 1 बाई इनफाइनाइट, सो इट विल बी 0। तो यहाँ पे अब ये 0 मिल गया, तो ये तो हमारा हो गया ट्रू। हमें चाहिए फॉल्स। अब आते हैं दूसरे पर, जो दूसरा है बी पोर्शन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस कह रहा है और एक्स ई पावर 1 बाई एक्स। ठीक, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एच ई पावर 1 बाई एच। ठीक, अब सिंप्लीफाई करना है तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए 1 बाई एच और ई पावर 1 बाई एच। और फॉर्म चेक करेंगे आप तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल अगेन, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो एल हॉस्पिटल करेंगे तो -1 अपॉन h² आएगा। यहाँ ई पावर 1 बाई एच और फिर इनटू में -1 अपॉन h² ये खत्म। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन ई पावर 1 बाई एच और 1 बाई इन्फिनिटी, सो इट विल बी 0 फिर से। सो ये वाला भी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। अब जो सी ऑप्शन है इस पर बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2x। तो सबसे पहले इसको क्लियर करना होगा आपको, तो इसको हम क्लियर करेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन 1 प्लस 2x। ठीक, देख लीजिए साइन 0 0 और यहाँ पर 1 1, तो बाकी तो 1 बाई 0 मतलब 0 हो गया। सो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, बट हमें चाहिए फॉल्स। तो अब जो डी वाला ऑप्शन है इसके इस पर बात कर लें हम। डी जो फोकस है लिमिट, तो मैं भी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एस टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ एच अपॉन 1 प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है ना 0 प्लस दिया हुआ है इसकी वजह से एच, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 0 अपॉन 1 प्लस 0 1 बाई 1, सो दैट इज़ द 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 0, तो यही ऑप्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। तो ये बेसिक सा रिजल्ट था इस क्वेश्चन का कि हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। सो टेक केयर, थैंक यू।